ज्ञानवापी में जैसे ही शिवलिंग और हिंदू देवी देवताओं के निशान चिन्ह मिलने का दावा किया गया, जिहादी गैंग बौखला उठी। इन जिहादी गिद्धों ने अपनी घिनौनी राजनीति शुरू कर दी है, सोशल मीडिया पर विवादित बयानबाजी करने लगे। इसी कड़ी में अब यूपी पुलिस ने ओवैसी की पार्टी के एक नेता को गिरफ्तार किया, जिससे AIMIM की टीम में खलबली मच गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद विवादित बयानों का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि जिहादी गैंग ने लोगों को भड़काने का अपना एजेंडा भी शुरू कर दिया है। ऐसे में अब इस गैंग पर यूपी पुलिस का हंटर चल गया है। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने पर विवादित बयानबाजी करने वालों की गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया है। अब बिजनौर पुलिस ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में फेसबुक पर विवादित पोस्ट करने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अब्दुल सलाम को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल अब्दुल सलाम ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक विवादित बयान सपा के मुस्लिम विधायकों को लेकर पोस्ट किया था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अब्दुल सलाम के बयान को उकसाने वाला मानते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। आखिर इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई, तो चलिए ये भी बताते हैं। दरअसल AIMIM के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अब्दुल सलाम ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में चल रही कोर्ट की कार्रवाई के बाद फेसबुक पर एक विवादित पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 36 मुस्लिम विधायक हैं, किसी ने भी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में विरोध दर्ज नहीं कराया, क्योंकि गुलामों को विरोध दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं होता। ओवैसी के नेता की बस इसी बदजुबानी के खिलाफ तुरंत यूपी पुलिस ने एक्शन लिया और उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया। इससे पहले भी कई जिलों में अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ यूपी पुलिस ने एक्शन लिया है। हाल ही में सपा नेता को ज्ञानवापी पर विवादित बयान देने पर गिरफ्तार किया गया था, तो वहीं इस मामले पर ओवैसी भी लगातार भड़के हुए हैं और नई नई बयानबाजी कर रहे हैं। AIMIM नेता अब्दुल सलाम का ज्ञानवापी पर दिया बयान पुलिस ने भड़काऊ बताया है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी कई अलग अलग जिलों में ज्ञानवापी पर विवादित बयानबाजी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया है, क्योंकि ये लोग जानबूझकर लोगों में अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और माहौल भड़का रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ यूपी पुलिस सख्त हो गई है। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ। ना कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।